स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल की, जहां बीजेपी कार्यालय में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा शामिल हुए हैं। तो वहीं कार्यशाला में विधानसभा उपचुनाव और संगठन चुनाव की रूपरेखा पर चर्चा हुई है। इसी दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गोवर्धन पूजा के दिन सरकारी छुट्टी रहेगी और सरकार ऐसे त्यौहार धूमधाम से मनाएगी। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि संगठन पर्व के रूप में 11 से 30 नवंबर तक बूथ चुनाव चलेगा और साथ ही बीजेपी सदस्यता का दौर भी जारी रहेगा। के अंदर जो रिकॉर्ड बनाया कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम, हमारे नेतृत्व के निर्देश पर आज 1,60,00,000 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। आगामी 30 तारीख तक और फिर 15 तारीख तक यह अभियान चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम देश के अंदर और इतिहास बनाकर जो मध्य प्रदेश हमेशा अग्रणी रहा है, इस भूमिका में कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम के साथ हम काम कर रहे हैं। गौ माता के पशुपालन के साथ उसको विशेष अभियान के रूप में जनता में स्वीकारता हो तो सरकार भी गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाएगी। और ये इसी के साथ साथ हमारा मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी 30 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक 4 दिन के अलग अलग उत्सव के नाते से इसको मना रहे हैं। और ख़ासकर इस बार गोवर्धन पूजा पे हमारे सभी शासकीय संस्थान को भी हमने राज्य सरकार के परामर्श से छुट्टी का अनाउंसमेंट किया है, ताकि ये दिवाली के दूसरे दिन तुरंत अगर कोई शासन की व्यवस्था के साथ, राज्य सरकार तो छुट्टी घोषित करती है लेकिन बैंक वगैरह में दिक्कत आती है तो कोई दूर दिवाली पे अपने गांव जाके आ नहीं पाता है, कई बार इसकी कठिनाई रहती है, इसलिए दिवाली के। और कुबेरेश्वर धाम के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्णय की सराहना की। उन्होंने कहा कि उज्जैन सिंहस्थ को लेकर सीएम द्वारा साधु संतों के प्रति जो उदारता का भाव प्रकट किया गया है, उसकी सभी को तारीफ करनी चाहिए। इस बार सीएम के प्रयासों से उज्जैन सिंहस्थ में आने वाले अखाड़ों और संतों को दी गई जमीन में से 25% पर स्थायी निर्माण की अभिनव पहल से संतों का लाभ होगा। मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश शासन के डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि संतों के लिए, साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए बहुत अच्छी सोच रखी। जो अखाड़े लगते थे और वापस डेरा उठाकर चले जाते थे, आज वो कुंभ के मेले में जब लगेंगे और स्थायी रूप से जब लगेंगे तो भारत के सारे संत उज्जैन में रहेंगे, आएंगे और निवास करेंगे। उससे सनातन धर्म की ध्वजा आगे बढ़ेगी और जितने भी भक्त दर्शन करना चाहेंगे तो एक ही जगह पर सारे संतों के दर्शन पूरे वर्ष भर होते रहेंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह गुना पहुंचे, जहां पर नानाखेड़ी केंद्र पहुंचकर किसानों से बात की, कालाबाजारी की जानकारी मिली और इसी दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसानों की शिकायत पर मुझे यहां आना पड़ा। साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा कि आखिर खाद को लेकर कौन दादागिरी कर रहा है। मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि यहाँ के हमारे मित्र ने एक वीडियो डाला जिस पर किसान लोग नाराज हो रहे थे, तो मैंने कहा भाई मैं खुद चल के पता लगाता हूँ फैक्ट क्या है। इसी तरह से राघोगढ़ के अंदर भी शिकायत मेरी आई कि वहाँ पे दादागिरी से लोग ज़्यादा उठा के ले गए, इस प्रकार की भी मेरे पास शिकायत आई। तो मैं जाके देख रहा हूँ भाई दादागिरी करने वाला चेहरा, तो मैं देखूँ कौन है दादागिरी करता है। खंडवा का जिक्र करेंगे, जहां पर खाद के लिए किसान परेशान हैं। आपको बता दें कि किसान परेशान लगातार खाद के लिए हो रहे हैं और इस बारे में जानकारी आपको दें। देखिए, डीएपी खाद के लिए भारी भीड़ लगी रही, खरीदी केंद्रों पर किसानों की भारी भीड़ नजर आई। एक एकड़ जमीन पर एक बोरी खाद का वितरण किया गया, किसानों को अब तक 600 टन खाद का वितरण हो चुका। खाद के लिए किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। डीएपी खाद के लिए भारी भीड़ जो है देखी गई, खरीदी केंद्रों पर किसानों की भारी भीड़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे और परेशान होते हुए नजर आए।
खरीदी केंद्रों पर भीड़, खाद के लिए किसान परेशान होते नजर आए। बड़ी संख्या में यहाँ पर लाइन लगी हुई है, तस्वीरें आपके सामने हैं। खंडवा की तस्वीरें हैं, 600 टन खाद का वितरण अब तक हो चुका है और लगातार बाकी जो किसान हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, खाद के लिए परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और पुणे टेस्ट में भारत की हार हुई है, न्यूजीलैंड ने भारत में पहली टेस्ट सीरीज जीती है। बता दें, 3 टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड 2-0 से आगे है। पुणे टेस्ट में 113 रन से भारत की हार हुई है। 12 साल बाद भारतीय टीम घर में टेस्ट सीरीज हारी। तो पुणे टेस्ट में भारत की हार हुई है, न्यूजीलैंड ने भारत में पहली टेस्ट सीरीज जीती है। 3 टेस्ट की सीरीज में न्यूजीलैंड 2-0 से आगे रही। पुणे टेस्ट में 113 रन से भारत की हार हुई है। आपको ये भी बता दें कि 12 साल बाद भारतीय टीम घर में टेस्ट सीरीज हारी है। तो पुणे टेस्ट में भारत की हार, न्यूजीलैंड की जीत। न्यूजीलैंड ने भारत में पहली टेस्ट सीरीज जीत ली है। 3 टेस्ट की सीरीज में न्यूजीलैंड 2-0 से आगे रही और पुणे टेस्ट में 113 रन से भारत की हार हुई है। आपको ये भी जानकारी दें कि 12 साल बाद भारतीय टीम घर में टेस्ट सीरीज हारी। तो भारत 12 साल बाद जो है घर में टेस्ट सीरीज हारा है। न्यूजीलैंड में 113 रन से जीता है दूसरा मैच। 2-0 की बढ़त मिली, सेंटनर को 6 विकेट मिले हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार चुकी है। टीम इंडिया को पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट में कीवियों ने 113 रन से हरा दिया है और इस जीत से कीवियों ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। आखिरी मुकाबला 1 नवंबर से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, पर अभी की जो स्थिति है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि भारतीय टीम हार चुकी है। भारत 12 साल बाद घर में टेस्ट सीरीज हारा है। न्यूजीलैंड ने 113 रन से दूसरा मैच जीत लिया है। 2-0 की बढ़त रही और सेंटनर को 6 विकेट मिले हैं। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार गई है